बैक टू हिंदी टेकअप बाय निकिता यूट्यूब चैनल। फ़ोन स्टोरेज का कम होना और मोबाइल डेटा का ज़्यादा यूज होना, ये दो ऐसी समस्या है जो हर स्मार्टफोन यूजर के सामने कभी ना कभी आती ही है। तो अगर आपके सामने भी ये समस्या आ रही है और आप WhatsApp ज़्यादा यूज करते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको WhatsApp की एक सेटिंग के बारे में बताऊँगी, जिसको चेंज करके आप WhatsApp द्वारा यूज किए जा रहे फ़ोन स्टोरेज और मोबाइल डेटा को कम कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे जो आपको रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन दिखाई देगी, उस पर क्लिक करके आप हिंदी टेकअप बाय निकिता चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरीके की और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डालूँ तो वो आपको मिल जाए। और इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप में जब भी हमारा कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर हमें कोई फ़ोटो या वीडियो भेजता है, तो व्हाट्सएप क्या करता है कि उसको हमारे फ़ोन की गैलरी में सेव कर देता है। इसमें दोनों ही बातें हो जाती है, मतलब कि व्हाट्सएप एक तो हमारे मोबाइल डेटा को यूज कर लेता है उन फ़ोटो और वीडियोज़ को डाउनलोड करने के लिए, और दूसरा क्या होता है कि जब वो वीडियो या फ़ोटो हमारे गैलरी में सेव हो जाती है, तो उससे हमारा फ़ोन स्टोरेज भी यूज हो जाता है। व्हाट्सएप आपके मोबाइल डेटा और आपके मोबाइल स्टोरेज को कम से कम यूज करे, इसके लिए आपको अपने व्हाट्सएप में जाकर 3 सेटिंग्स करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट सेटिंग। तो फर्स्ट स्टेप में आपको अपने व्हाट्सएप में ये चेंजेस करने होंगे। ये मैंने अपना WhatsApp ओपन कर लिया है। WhatsApp ओपन करने के बाद ऊपर जो आपको ये 3 डॉट दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है सेटिंग्स, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। इसमें जो आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टोरेज एंड डेटा, इस पर क्लिक करना है। तो चलिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे जो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है मीडिया ऑटो डाउनलोड, इसमें जो सेटिंग्स है उसको ही हमें चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे ऑप्शन को ओपन करेंगे और उसमें जो सेटिंग्स है उसको चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है वो है व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, तो हम इस पर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर जितने भी बॉक्स है उसको अनचेक कर देंगे, मतलब इनमें से किसी में भी टिक मार्क नहीं होना चाहिए। इसको अनचेक करके हम ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जो ये सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन है व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद भी हम यहाँ के सेटिंग्स को चेंज कर देंगे। अभी ये सारा टिक मार्क हो रखा है मेरे मोबाइल में, हम सबको अनचेक कर देंगे। अनचेक करने के बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ऐसे ही हम थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, जो लास्ट वाला ऑप्शन है व्हेन रोमिंग, तो इस पर क्लिक करेंगे और इसमें भी सेटिंग्स को चेंज कर देंगे। सेटिंग्स चेंज करने का मतलब यही है, ये जो सारे बॉक्स है ये अनचेक रहने चाहिए, इस पर टिक मार्क नहीं होना चाहिए। तो अभी मेरे मोबाइल में वैसे भी टिक मार्क नहीं है इस पर, तो अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगी, ओके पर क्लिक कर दूँगी। सेकेंड स्टेप में आप अपने व्हाट्सएप में जाकर सभी चैट के लिए मीडिया विजिबिलिटी को बंद कर दें। इसके लिए आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करें और इसमें जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप फिर से सेटिंग्स पर जाएं। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद ये जो सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन है चैट्स, इस पर क्लिक करें। चैट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा मीडिया विजिबिलिटी, इसको आपको ऑफ कर देना है। ये आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन लाइट सी चल रही है, मतलब मेरे मोबाइल में अभी ये ऑन है। तो मैं अब इसको इस पर क्लिक करूँगी तो ये ऑफ हो जाएगा, तो आपको इसको ऑफ करके रखना है। ये मैंने इस पर क्लिक किया, ये ऑफ हो गया। तो सेकेंड स्टेप में आप अपने मोबाइल पर जाकर ये वाली सेटिंग को ऑफ करते हैं। थर्ड और फाइनल फ्रेंड्स, ये वाला स्टेप आप तभी यूज करें जब आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर या फिर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप डेली ही आपको बहुत सारे इमेजेस और वीडियो सेंड कर देता है और वो सारे आपकी गैलरी में जाकर सेव हो जाते हैं। मतलब कि जब आप चाहते हैं कि वो उस पर्टिकुलर पर्सन या फिर जो ग्रुप है उसके द्वारा भेजे गए वीडियोज़ और फोटोज़ आपकी गैलरी में जाकर सेव ना हो, तो ये वाला स्टेप आप कर लें। चाहते हैं तो इसके लिए आप सबसे पहले उस पर्सनल चैट को ओपन करें जिसकी मीडिया विजिबिलिटी को आप बंद करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक चैट ओपन करके दिखाती हूँ। ये मैंने एक चैट ओपन किया, उसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन है मीडिया विजिबिलिटी, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है डिफ़ॉल्ट यस और नो, तो आप चाहते हैं कि ये जो पर्सन आपको जो भी इमेज और फोटो सेंड करे वो आपकी गैलरी में जाकर सेव ना हो और ना ही व्हाट्सअप उसके लिए आपका मोबाइल डेटा यूज करे, तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे, तो आपकी ये वाली सेटिंग चेंज हो जाएगी।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको जो भी 3 स्टेप्स बताए हैं उसमें से जो ऊपर वाला 2 स्टेप्स है, फर्स्ट एंड सेकेंड, उसको आप तब यूज़ करें जब आप अपने व्हाट्सएप के सारे ही वीडियोज़ और फोटो जो भी आपको रिसीव हो रहे हैं उनको अपनी गैलरी में जाने से रोकना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसके लिए कोई भी मोबाइल डेटा यूज ना हो। और थर्ड वाले स्टेप को आप तब यूज कर सकते हैं जब आप किसी पर्सनल चैट से मिलने वाले इमेजेज और वीडियोज को अपने गैलरी में जाने से रोकना चाहते हैं। तो आप अपने व्हाट्सएप के सेटिंग्स में ये थोड़े से चेंजेज करके अपने मोबाइल डेटा को भी बचा सकते हैं और अपने फ़ोन की जो स्टोरेज है उसको भी बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो, काम की हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।